अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नितिन नॉलेज स्कूल क्लास टू मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 5 पेज नंबर 16। ओपन योर बुक पेज नंबर 16 एंड टुडेज आवर टॉपिक इज बिफोर नंबर। तो आज हम पढ़ेंगे बिफोर नंबर के बारे में। बिफोर नंबर क्या होता है? बिफोर नंबर होता है पहले आने वाला नंबर, यानी पहले आने वाले नंबर को बिफोर नंबर कहते हैं। आपकी बुक पे पेज नंबर 16 पे बिफोर नंबर के बारे में है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिफोर नंबर इज जस्ट लाइक रिवर्स काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग, जिसमें आपने बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना होता है। तो इसमें आपके जो है बड़े नंबर लिखे हुए हैं और आपने इसके स्मॉल नंबर लिखने, यानी कि पहले आने वाला नंबर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे आप बैकवर्ड काउंटिंग में पढ़ते हैं तो 10 से पहले क्या आता है? 9, और 100 से पहले क्या आता है? 99। और इसी तरह से हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो है वो काउंटिंग थी 100 से स्टार्ट, 342 से स्टार्ट हो रही है। पहला जो नंबर आपका लिखा हुआ है वो है 342, जैसा कि आपको अपनी बुक पे भी नज़र आ रहा होगा। तो 342 का हमने बिफोर नंबर लिखना है, यानी पहले आने वाला नंबर लिखना है, तो वो है 341। आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं इसको। मैंने आपके लिए यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हुए हैं बिफोर वाले। तो जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, वो बुक पे आपके जो लिखा हुआ है वो है 861। एक 861 का बिफोर नंबर होता है 860। मतलब 100 वाला जो है वो 100 100 तो सेम है, और 61 का बिफोर नंबर है 60। इसी तरह जो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 306। तो 306 300 तो वही सेम ही होगा, और 6 से बिफोर नंबर, 6 का बिफोर जो नंबर है वो क्या है? 6 का बिफोर नंबर है 5। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 528। 528 का बिफोर नंबर होगा 527। एज यू कैन सी के मतलब आपके 100 वाले जो हैं 5 एंड 5 वो दोनों सेम हैं, और जो बाकी जो है नंबर 228 का जो भी फोर नंबर होगा वो क्या होगा? 27। इस तरह हम नेक्स्ट नंबर में भी इसी तरह देखेंगे। 430 है तो उसका भी फोर नंबर है 429। 610 है तो उसका भी फोर नंबर है 609, यानी 609। 100 का भी फोर नंबर आपको पता है कि 99 होगा, और 996 का भी फोर नंबर होगा 995। 747 का बिफोर नंबर है 746। 201 का बिफोर नंबर है 200, एंड 585 का है 584। 114 का बिफोर नंबर है 113, एंड 750 का बिफोर नंबर है 749। 333 का बिफोर नंबर है 332, एंड 899 का बिफोर नंबर है 899। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से देख के अपनी बुक पे लिख लेना है इसको। नेक्स्ट जो है हमारा बिफोर के बाद हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर के बारे में। तो जिस तरह बिफोर पहले आने वाले नंबर को कहते हैं, आफ्टर कहते हैं नेक्स्ट आने वाले नंबर को, जो बिफोर जो पहले के बाद में आने वाला दूसरे आने वाले नंबर को आफ्टर नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें तो 10 के बाद आने वाला नंबर होता है 11, और 17 के बाद आने वाला होता है 18, और इसी तरह 100 से अबव नंबर जो होते हैं हमारे पास, उसी तरह उनको भी देखेंगे हम। जैसे कि ये हमारी बुक पे लिखे हुए हैं आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर यहाँ पे लिखे हुए होंगे और आपने उसके आफ्टर नंबर लिखने हैं। यानी यहाँ पे अगर आपकी बुक पे लिखा हुआ है 129, तो हमने इसका नेक्स्ट नंबर लिखना है, यानी कि आफ्टर आने वाला बाद में आने वाला नंबर। तो वो 129 का आफ्टर नंबर है 130, एंड 634 का आफ्टर नंबर है 635। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, आपने यहीं से देखे बुक पे आपने ये सारे नंबर्स लिखने हैं। आपको जैसे काउंटिंग आती है बिफोर एंड आफ्टर, एंड नेक्स्ट हम बिटवीन के बारे में भी पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो आपने यहीं से देख के उसके ऊपर लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 548। तो 500 का आफ्टर, 548 का आफ्टर नंबर क्या है? 549।
इसी तरह ये सारे नंबर्स मैंने आफ्टर वाले लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख के अपनी बुक पे लिखेंगे। 499, 499 का आफ्टर नंबर क्या है? 500। और नेक्स्ट नंबर है जो हमारा 217, और उसका नेक्स्ट नंबर है 218। नेक्स्ट है 349, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 350। और 109 का आफ्टर वाला नंबर क्या है? 110। एंड 909 का आफ्टर नंबर क्या है? 910। 846 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 847। 799 का आफ्टर नंबर क्या होगा? 800। 198 का होगा 198, 99। 208 का आफ्टर नंबर होगा 209। एंड 554 का आफ्टर नंबर होगा 555। और जो लास्ट नंबर है हमारे पास उसका होगा 607, और उसका जो आफ्टर नंबर है वो है 608। अब हम पढ़ेंगे बिटवीन नंबर्स के बारे में। तो पहले हमने पढ़ा बिफोर नंबर के बारे में। बिफोर नंबर किसको कहते हैं? पहले आने वाले नंबर को। आफ्टर नंबर किसको कहते हैं? बाद में आने वाले नंबर को। अब हम पढ़ेंगे बिटवीन के बारे में। तो बिटवीन नंबर उसे कहते हैं जो आता है दरमियान में, यानी बिफोर और आफ्टर वाला लिखा हो तो दरमियान वाले जो बॉक्सेज हैं आपके वो एम्प्टी हैं आपकी बुक पे, आपने उनके अंदर ये लिखना है बिटवीन वाला, मतलब दरमियान में आने वाला नंबर, ठीक है। तो दरमियान में आने वाला नंबर जो एक्चुअली होगा वो होगा पहले नंबर के बाद में आने वाला नंबर, यानी हम इसमें पहले वाले नंबर्स को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि दरमियान में जो उस पहले वाले नंबर के बाद जो नंबर आएगा वही एक्चुअली बिटवीन नंबर होगा और उसे ही हम लिखेंगे इधर, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट वाले नंबर्स को नहीं देखना, इसमें हमने फर्स्ट वाले नंबर्स को देखना है सबको, और उससे नेक्स्ट नंबर जो हम लिखेंगे आफ्टर वाला तो वही इन दोनों के बिटवीन वाला नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मैं यहाँ पे मैंने आपके लिए ये लिखे हुए नंबर्स आप यहाँ से देख के अपनी बुक पे लिखेंगे। मैं आपके लिए इसको बता भी रही हूँ, मैं आपको पढ़ के भी सुना रही हूँ। पहला नंबर जो हमारे पास लिखा हुआ है वो है 553। तो हमने इसी नंबर को देखना है, इसी नंबर को जो आफ्टर नंबर होगा वही एक्चुअली इनका बिटवीन नंबर है, तो उसका बिटवीन नंबर होगा 554। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 799 का जो आफ्टर नंबर हम देखेंगे वो होगा 800, और 800 के बाद जो नंबर लिखा हुआ वो है 801। ओके, तो नेक्स्ट नंबर है 319 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो है 320। एंड लास्ट जो नंबर उसका लिखा हुआ है वो है 321। नेक्स्ट है 606, और इसके जो मिड वाला दरमियान वाला जो बिटवीन वाला नंबर है वो है 607, और लास्ट जो नंबर है हमारा वो है 608। नेक्स्ट नंबर है 989 का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 89 के बाद क्या आता है स्टूडेंट? 90। तो बिटवीन वाला नंबर होगा 990, और जो लास्ट नंबर है वो है हमारा 991। नेक्स्ट नंबर है 448, और इसका जो आफ्टर वाला नंबर है जो कि बिटवीन वाला नंबर एक्चुअली होगा दोनों के, तो वो है 449, और लास्ट नंबर जो है वो हमारा 450 है। उसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वो है 232। तो 32 के बाद क्या आता है? 33। यस, तो हम लिखेंगे 233। जो इसका लास्ट नंबर लिखा हुआ है वो है 234, तो बिटवीन वाला नंबर होगा वही जो 232 के बाद वाला का नंबर। इसी तरह ये सब नंबर्स के हम फर्स्ट नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर्स के बाद जो आफ्टर नंबर आ रहे हैं वही हमारे इधर बिटवीन वाले नंबर हैं। हमने लास्ट वाले नंबर्स को नहीं देखना, हमने फर्स्ट वाले नंबर्स को देखना है, और उसका आफ्टर नंबर देखेंगे तो वही हमारा बिटवीन वाला नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है 121, तो 121 का जो नंबर होगा बिटवीन वाला, 121 और 123 के बिटवीन में जो नंबर आएगा वो होगा 122। नेक्स्ट नंबर है 708 के बाद क्या नंबर आता है? 9, तो हम लिखेंगे 709, यही बिटवीन नंबर होगा। लास्ट नंबर इसका है 710। अब 199 के बाद क्या आता है? 200, और इसका लास्ट नंबर है 201। नेक्स्ट है 865 के बाद आएगा 866, और लास्ट नंबर है 867। नेक्स्ट नंबर है हमारा 997 के बाद आएगा 998, और लास्ट जो नंबर है हमारा वो है 999। नेक्स्ट नंबर है हमारा 474
474 के बाद जो नंबर आएगा हमारा, 74 के बाद जो नंबर आता है वो है 75, तो आएगा 475। और जो लास्ट नंबर है इसका वो है 476। जो नेक्स्ट नंबर है हमारा वो है 399। 399 के बाद 400 आएगा, और 400 के बाद जो लास्ट नंबर है वो हमारा है 401। अब जो लास्ट बिल्कुल हमारे जो नंबर है वो है 256। 256 के बाद आएगा 257 और 258, तो इसका बिटवीन वाला नंबर है 257।